कलकत्ते में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के ऊपर था। ऑफिस छूट जाने के बाद में नदी के किनारे घाट पे जाके बैठता था। मैं यूपी के भैया रात को भजन करते बैठते थे, मैं उनके पास जाकर के बैठता था नदी किनारे, सोचता था ये पानी कहीं ना कहीं कभी ना कभी समुद्र से जाके मिलेगा, लेकिन मैं किस दिन मेरे गुरु तक पहुंचूंगा, किस दिन गुरु का आगमन मेरे जीवन में आएगा, कब जाऊंगा, कब पहुंचूंगा। हर दफे यही विचार, यही प्यास लगती थी। जैसे एक खाता एक मालिक है ना, एक खाता बच्चा खो जाए, वो बच्चों को आप आइसक्रीम दो, बिस्किट दो, कुछ भी दो, वो एक ही चिल्ला रहे माँ 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 माँ, वो सिर्फ माँ के सिवा कुछ नहीं, उसको माँ इसके बाकी कुछ नहीं है। वैसे ही जीवन में सब कुछ तृप्त था। एक युवक जो कल्पना करता है वो सब कुछ जीवन में प्राप्त था, उसके बावजूद भी जीवन में अतृप्ति थी। एक इच्छा थी कि परमात्मा मुझे कहाँ मिलेगा, परमेश्वर मुझे कहाँ मिलेगा। और जब भी परमात्मा को याद करता था, परमेश्वर को पाने की इच्छा करता था, तो मेरे ध्यान के अंदर तीन चित्र लगातार चित्त में आते थे। एक पशुपतिनाथ का नेपाल का मंदिर आता था, एक खूब लंबे दाढ़ी वाले ऊंचे पूरे कोई बाबा जी आते थे, और तीसरा एक टेकड़ी नुमा पहाड़ के ऊपर कोई शिव मंदिर आता था। ये तीनों बातें चित्त में भी आती थी, सपने में भी आती थी, बार बार आती थी। ये क्या प्रकार है मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं समझता था। लेकिन एक बार कंपनी के काम से कानपुर जाना हुआ, और कानपुर में एक कंचन होटल है, उस होटल के अंदर रुका हुआ था, रेलवे स्टेशन के रोड पे। बैंकों की स्ट्राइक हो गई, यानी बाजार का मार्केट का कुछ काम होने वाला नहीं था। 4-5 दिन ऐसे ही बेकार थे। तो मेरे मन में एकदम अचानक वो पशुपतिनाथ की याद आ गई। अरे बार बार चलो पशुपतिनाथ जाने की इच्छा हो रही, चलो ये 4-5 दिन में पशुपतिनाथ जाके आते। तो होटल वाले को बोला कोई भी कंपनी से फोन आए तो कहना बाहर गए, और मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊँगा। रूम खाली नहीं की थी, रूम वैसे रखे थे। दूसरा घर पर भी कुछ नहीं बताया, सीधे वहाँ से गोरखपुर गया, कानपुर से गोरखपुर गया, गोरखपुर से भैरवा करके एक जगह है वहाँ गया, एक सोनाली करके चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट पे उतर करके भैरवा गए। वहां से बस पकड़ी, सुबह बस पकड़ी 6 बजे। वो बोले 10 बजे काठमांडू पहुंच जाएंगे। 12 बज गए, 1 बज गए, तो भी काठमांडू का कोई आता पता नहीं था। वो कंडक्टर को मैंने पूछा तू तो बोला था कि 10 बजे पहुंच जाएंगे, बोले दिन के थोड़ी रात के 10 बजे पहुंचे। वहां अर्थ रोड था, पृथ्वी रोड बोलते उसको, पूरा इतना धूल उड़ता था कि एक बस चली जाए तो एकाध किलोमीटर तक जाने के बाद में दूसरी बस जाती थी, खूब धूल उड़ती थी उसके ऊपर। तो काठमांडू में पहुंचे, वहां एक होटल के अंदर रुका। दूसरे दिन सवेरे पशुपतिनाथ के दर्शन को गए। तो जैसे ही पशुपतिनाथ के दर्शन को गया तो वहां के पंडित जी मेरा ही इंतजार कर रहे थे, मेरी राह देख रहे थे। मैंने उनको कहा कि मेरे को रुद्राभिषेक करने की इच्छा है, तो बोले हमें मालूम है तुम यहाँ आने वाले हो, ये भी मालूम है। तो उल्टा मैं घबरा गया कि मैंने तो किसी को बताया नहीं था, घर पे भी नहीं बताया, ऑफिस में नहीं बताया, इनको कैसे पता चल गया। तो मैंने पूछा आपको कैसे पता चला, मैंने तो किसी को नहीं बताया, मेरे सिवा ये प्लान किसी को भी मालूम नहीं था कि मैं नेपाल जा रहा हूँ। उन्होंने बोला एक नेपाली वृद्ध सज्जन यहाँ आकर के 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे, और उन्होंने आपके आने की सूचना दी थी। तो रुद्राभिषेक तो किया, लेकिन मेरा चित्त मेरा ध्यान वो रुद्राभिषेक में नहीं था। मेरे को ऐसा लग रहा था कौन सज्जन है, कौन है जो मुझे मिलने के लिए आए हैं, मैं तो यहाँ आया नहीं, आज तक कभी नेपाल नहीं आया। तो बाहर जाकर देखा सच में एक वृद्ध सज्जन नेपाल के वहां बैठे हुए थे। उन्होंने कहा मैं शिबू नाम के एक गाँव से आया हूँ, दूर गाँव है, और वहां पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर एक गुफा है, उस गुफा में
कि बाबा कभी कभी प्रकट होते हैं, और जब वो प्रकट होते हैं तो हमारे यहाँ उत्सव का वातावरण रहता है। उनको हम शिव बाबा कहते हैं, उनका नाम क्या है हमको भी पता नहीं, लेकिन जब गई बार वो प्रकट हुए थे तो उन्होंने ये तारीख और ये समय दिया था, इस समय तुम आओगे और तुमको लेने के लिए मुझे भेजा है। मुझे और रहस्यमय लगा, नेपाल कभी आया नहीं, नेपाल किसी को जानता नहीं, नेपाल किसी को पहचानता नहीं, और कौन मुझे बुला रहा है और कौन जान रहा है, कुछ पता नहीं था। उसके बाद में उस नहीं, लेकिन ये सब बातें ऐसी रहती है, मैंने वशीकरण सरीके एकदम दिमाग एकदम बंद हो जाता है, और अपन पागल सरीके उसके साथ नहीं चलने देते, उसके साथ चल दिए। बस से सफर किया, उसके बाद में पैदल सफर किया, पैदल 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 खूब दूर तक लेके गया। फिर एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक छोटा मंदिर था, शिव मंदिर, उस मंदिर के उठने पर मुझे रुकाए, बोले कल सवेरे अपन पहाड़ पर जाएंगे। तो हिमालय का पहाड़ था, उस पहाड़ी के ऊपर सुबह के दिन खूब ऊपर मुझे लेके गया और एक पत्थर पे ले आके बिठा दिया, बोले बस यहीं बैठो, यहीं इंतजार करो, वो यहीं आके आपको मिलेंगे। वो सामने गुफा दिख रही है, वो गुफा में वो रहते। सुबह से शाम तक बैठे ही रहा, शाम को बिल्कुल अंधेरा होने को था, तो उस समय देखा एक वृद्ध सज्जन उस गुफा में से बैठ करके बाहर निकल रहे थे, और जैसे ही गुफा में से बाहर निकले तो काफी लंबे थे, काफी ऊंचे थे, पूरा गौर वर्ण था, खूब सफेद बाल थे, खूब लंबे थे, और धीरे 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 वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आने लग गए। और जैसे पास में आए, मैंने यंत्रवत उनको साष्टांग दंडवत किया, मैं पहचान गया ये वही साधु है जो मेरे सपने में आता है, ये मेरे चित्त में बार बार आता है। और उन्होंने उठा करके मुझे गले लगाया, 40 साल से तेरा मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मुझे और आश्चर्य लगा, वो मुझे अपने गुफा के अंदर ले गए। गुफा अंदर से बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल थी, एक त्रिशूल था, एक यज्ञ कुंड था, एक ओटला था, उस ओटले पे वो बैठते थे, वहीं सोते थे, वहीं रहते थे। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने मेरे सर के ऊपर पानी डाल के हाथ रख दिया, उसके बाद में क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, 3 दिन के लिए समाधि लग गई थी। और 3 दिन के बाद जब उठा तो उन्होंने कहा तेरे कुछ भोग और भी बाकी है, वो भोग भोगने के बाद में तू भी साधु बनेगा, जबकि साधु से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा मैं भावनगर का रहने वाला हूं और तेरा कार्यक्षेत्र गुजरात है, तू गुजरात में जाके कार्य करेगा। बाप जन्म में कभी गुजरात गया नहीं था, गुजरात का नाम भी नहीं सुना। और 40 साल से मेरे गुरु ने कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज तुझे सौंपने के लिए दिया हुआ है, वो आज मैं तुझे सौंप रहा हूं। मैंने मेरा सर्वस्व तुझे दे दिया है और मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया, मैं समाधिस्थ हो रहा हूं, मैं मेरे प्राण त्याग कर रहा हूं। एकदम सब आश्चर्यजनक एक बातें सामने आ रही थी। और उन्होंने वास्तव में दूसरे दिन अपने प्राण त्याग दिए, फिर बाद में सब गांव के लोग आए, उसका दाह संस्कार हुआ, सब हुआ। ये घटना 40 साल पहले की है। और 40 साल बाद गए साल मेरा छोटा लड़का दोस्त नेपाली साधकों को लेके उस गुफा में गया था, खूब ढूंढते ढूंढते। और दूसरा तो गुफा में गांव वालों ने अंदर नहीं जाने दिया, वो बोले वो अंदर बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है, कोई भी अंदर गया तो हमारे गांव के ऊपर विपत्ति आती है। गए बार कुछ चीनी लोग अंदर गए थे, उसके बाद में हमारे यहाँ भूकंप आया था, हम अंदर किसी को जाने नहीं देंगे। और वो गुफा करीब करीब बंद ही होने को है, ऊपर से पानी टपक टपक के टपक टपक के टपक टपक के वो गुफा का मुंह बंद होने को है। लेकिन लड़का ये खोजते 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 वहां तक पहुंच गया था। इसके साथ कुछ नेपाली दो साधक थे, कोई दो भारत के साधक थे, ऐसे 4-5 लोगों का ग्रुप गया था, वो खोज के आए। उसके बाद में मैं मेरे संसार में वापस आ गया, लेकिन मेरी खोज समाप्त हो गई थी। उस घटना का विशेष मतलब परमात्मा की खोज खत्म हो गई। वो परमात्मा नहीं थे, वो सामान्य मनुष्य थे, मेरे शरीर के 2 हाथ और 2 पैर उनके थे, ये दिख रहा था,
ये जानते हुए भी मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया। परमात्मा इसलिए माना, परमात्मा एक विश्व चेतना है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा कोई शरीर नहीं है, परमात्मा एक विश्व चेतना है। वो विश्व चेतना मुझे जिस माध्यम से मिली, विश्व चेतना ने मुझ तक पहुंचने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया, जिस माध्यम को माध्यम बनाया, वो माध्यम मेरे लिए ही परमात्मा हो गया। ये जानते हुए भी कि परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, मेरे लिए वही वर्तमान का परमात्मा था। तो परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, परमात्मा कल भी रहेगा। सिर्फ परमात्मा के रूप समय समय पे बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं।